हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने ऑटो कैड का पार्ट 5 लेके आया हूं, जो एमसीक्यूज एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन है जो सॉल्व किए जाएंगे, तो आशा करता हूं आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इससे रिलेटेड आपको और क्या चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैड कमांड क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन एरे, रोटेट, एक्सटेंड या नन ऑफ द अबव। कि आपका कौन सी कमांड है जो एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी करती है। अगर मैं ऑटोकैड पे आपको चल के दिखाऊं यहाँ पे, तो मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर चाहिए तो मैं एरे का यूज करता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर पाथ या पोलर एरे आपका यहाँ पे है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। रेक्टेंगुलर एरे क्रिएट किया तो रोज और कॉलम आएंगे, पाथ करोगे तो एक पाथ में आएगा, और पोलर एरे करोगे तो आपका सर्कुलर वे में आपका आएगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न में। ये पैटर्न आप चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, और इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो यहाँ पे हो जाएगा कि एरे कमांड से आप ये चीज कर सकते हो। ओके, उसके बाद द फाइल एक्सटेंशन That cannot be accessed by AutoCAD. ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो AutoCAD द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब DWG फॉर्मेट AutoCAD का फॉर्मेट है, DXF AutoCAD का, DWS AutoCAD का फॉर्मेट है, बट DOC फॉर्मेट है वो आपका वर्ड फॉर्मेट है जो AutoCAD द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है DOC, C वाला आपका आंसर है जो। उसके बाद है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स दैट ए ड्रॉइंग कैन हैव। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर कितनी हो सकती है। अगर आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हो, अगर आपके पास यहाँ पे काफी सारी लेयर बनी हुई है, तो इस मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी भी आप यहाँ पे लेयर्स क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क। तो इसका जो आंसर हुआ वो एज मैनी एज डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। जितना आपको कॉम्प्लेक्स है उसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज को क्रिएट कर सकते हो, तो कितने भी आप लेयर्स को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लेयर ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेयर्स पे चलता हूं यहाँ पे और लेयर प्रॉपर्टी पे जाता हूं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। किसी भी चीज को मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूं, बट कितनी लिमिट तक। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो हाईएस्ट लिमिट मेरी 90 होती है, कि 90 की लिमिट तक ही मैं लेयर ट्रांसपेरेंसी पे जा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर हुआ, अगर उससे ज्यादा गया 100 पे तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, बट गायब नहीं करना ना, ट्रांसपेरेंट करना है। तो मेरे मैक्सिमम जो यहाँ पे इसका आंसर है वो है डी, जो आपका 90 तक आप जा सकते हो। उसके बाद है एन इंक्लाइंड एंगल कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग विच कमांड। कि आपका इंक्लाइंड एंगल किस कमांड से आपको प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो उसका राइट आंसर जो है, अगर मैं यहाँ पे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई लाइन क्रिएट करनी है, मान लो आपने एक लाइन क्रिएट की यहाँ पे 10 की, और उसके बाद एक 30 डिग्री के एंगल पे 10 की लाइन और क्रिएट करनी है। अब 30 डिग्री का एंगल पता नहीं कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एट द रेट 10, और एंगल के साइन के लिए स्मॉलर देन वाला हमेशा साइन लगाएंगे, तो 30 एंटर, तो 30 डिग्री के एंगल पे आपकी लाइन को क्रिएट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि स्मॉलर देन वाला जो ये साइन होता है ये यूज किया जाता है एंगल को, इंक्लाइन एंगल क्रिएट करने के लिए। ओके, द कमांड दैट इज नॉट सुटेबल टू स्टार्ट प्रिंट कमांड। कौन सी कमांड है जो प्रिंट कमांड को सुटेबल नहीं है करने के लिए। अगर मैं ऑटोकैड पे चलता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोकैड पे कमांड है यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए। अगर मैं PLOT एंटर करूं, PLOT, तो भी मेरा प्रिंट कमांड ओपन हो जाती है। प्रिंट कमांड एंटर करूं तो भी मेरी प्रिंट कमांड एंटर हो जाती है। Ctrl+P अगर करता हूं तो भी कमांड हो जाती है, बट अगर मैं PR एंटर करता हूं तो प्रॉपर्टीज ओपन होती है। ये प्रिंट कमांड के लिए कमांड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हुआ PR। PR आपके कमांड नहीं है जो सुटेबल है ऑटोकैड प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद है इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए लाइन इन द डायरेक्शन 6 PM, जैसे घड़ी में 6 बजे होते हैं, अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं लोकल टाइम, विल गिव एन एंगल। अब आप यहां पे देख पा रहे हो जो आपका राइट साइड में होता है वो 0 डिग्री, अप जाएंगे तो 90, लेफ्ट जाएंगे तो 180, और डाउन साइड जाएंगे 270 डिग्री का आपका एंगल होता है। तो जब 6 बजे होते तो कितने डिग्री का एंगल होगा, तो 6 के डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है 270 डिग्री का आपका एंगल होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ कि 270 डिग्री का एंगल होगा अगर 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे। ओके, उसके बाद है विच फैक्टर ऑफ हैच कमांड यू विल चेंज टू कोरेक्ट द स्पेसिंग बिटवीन हैच लाइन और पैटर्न।
कि स्पेसिंग जो आपका हैचिंग का है, मान लो आपने यहाँ पे एक सर्कल लिया 20 रेडियस का और आप इसमें हैचिंग करते हो, एच एंटर और आप यहाँ पे क्लिक करते हो और ये कोई भी हैचिंग आप करते हो, मान लो मैं ब्रिक हैचिंग करता हूँ या फिर ये हैचिंग जो भी है मैं यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो कोई भी हैचिंग मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब इसकी स्पेसिंग और चेंज करने के लिए यहाँ पे स्केल है, स्केल को कम करूंगा स्पेसिंग कम हो जाएगी, स्केल को इंक्रीज करूंगा इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हुआ कि स्केलिंग करने से मैं इसके जो पैटर्न का है स्पेसिंग बिटवीन हैच लाइन को पैटर्न को मैं चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कमांड दैट डज नॉट बिलोंग टू द बुलियन ग्रुप इन ऑटोकैड। बुलियन क्या होता है, बुलियन के अंदर क्या होता है, अगर आपको 3ds मैक्स आता है तो आपको पता होगा बुलियन क्या होता है। बुलियन में हम यूनियन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको 3D में जाके देखता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ कुछ इस तरीके से और विजुअल स्टाइल चेंज करता हूँ और इसके पार्ट पे F6 प्रेस करके ये एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ कुछ ऐसे। अब आपका एक ऑब्जेक्ट में दो दो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, क्लियर है। अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके 3D बेसिक पे जाऊं तो मेरे पास ये तीन ऑप्शन होते हैं, यूनियन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। यूनियन क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों को सिलेक्ट करके आप यूनियन कर दोगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, ये आपका यूनियन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट, इसमें से ये ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंटर, फिर सेकंड करो एंटर, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद है इंटरसेक्ट, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट करते हो और एंटर करते हो, इंटरसेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बचेगा। तो ये तीनों ही कमांड को हम बुलियन की कमांड होती है आपकी ये, बट इसमें से जो कमांड बुलियन की नहीं है वो है डिवाइड। डिवाइड वो नॉर्मली लाइंस को डिवाइड करने के काम आता है। तो मैं ऑटोकैड पे जाऊं यहाँ पे, ओके, और यहां से मैं टॉप करूं VS एंटर, टू एंटर, एक लाइन मैंने लिया, पांच पार्ट में डिवाइड करना है, DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट 5 एंटर। अब इसने पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया और देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ड्रॉप डाउन पे जाओ, शो मेन्यू बार पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, पॉइंट स्टाइल पे जाओ और पॉइंट स्टाइल को मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली इसने क्या किया, इस पे पांच पॉइंट लगा दिए ताकि ये शो हो जाए कि ये पांच इक्वल पार्ट पे आपका डिवाइड हो गया। तो डिवाइड कमांड आपके बुलियन की कमांड नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डिवाइड। उसके बाद है फ्रॉम विच डायरेक्शन डज ऑटोकैड स्टार्ट मेजरिंग एंगल। आपका ऑटोकैड मेजर कहां से करता है एंगल, जीरो, जीरो से, ठीक है। तो जो जीरो की डायरेक्शन हुई तो इनमें से कौन सी होगी, तो जीरो की डायरेक्शन पे तो ऑब्वियसली बात है तीन बज रहे होंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 3 o'clock। तो ये हो गया आपका आज के 10 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें, ऐसे ही सपोर्ट करें। अगर आप न्यू हो तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने की मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।